सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानू सब टेक्निकल। गाइस देख सकते हो, ये एलजी कंपनी की खुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि इसका जो बॉडी है बिल्कुल से गल चुका है, तो इसकी डेंटिंग और पेंटिंग दोनों करानी। गाइस देख सकते हो, बॉडी गलने की वजह से ये चलने में काफ़ी आवाज़ कर रही थी। तो गाइस देख सकते हो, इसको हमने खोल लिया है, इसके ड्रम को अलग कर दिया, और देख सकते हो कि बॉडी जो कितनी ज़्यादा नीचे से गल चुकी है, क्योंकि नीचे जो है वो गाइस पानी पड़ता है ना, तो तभी जो है ये गलने लगती है। गाइस देख सकते हो, इसके ड्रम को हमने अलग कर दिया है। गाइस देख सकते हो, इसके ये शौकर है, 4 शौकर होते हैं, जो कि ये सारी जो है ड्रम पूरा जो है शौकर पर टिका रहता है। गाइस देख सकते हो, ये मोटर है और ये इसका मोटर है, बगल में जो है इसका गियर बॉक्स लगा होता है। गाइस देख सकते हो, ये सेमी से बिल्कुल अलग होती है। इसमें एक मोटर होती है जो कि वॉश और स्पिन का दोनों को काम करती है। गाइस देख सकते हो, इसकी बॉडी हमने बिल्कुल से अलग कर दिया है और हमने डेंटिंग के लिए भेज दिया है। गाइस देख सकते हो, डेंटिंग और पेंटिंग होके आ गई। गाइस देख सकते हो, इसकी ब्राइटनेस कितनी अच्छी आई है, और देख सकते हो बिल्कुल नहीं लग रही, बिल्कुल न्यू जैसे लग रही। गाइस देख सकते हो, ड्रम को हमने फिट कर दिया। आपको ड्रम क्लिप में जो है आप पेंच को कस लेना है अच्छी तरीके से, ताकि जो है क्लिप निकलने ना पाए। क्लिप में नीचे बॉडी में जो है खांचे होते हैं, क्लिप उसी में फंसाई जाती है और पेंच से कस दिया जाता है। गाइस देख सकते हो, आपको भी पेंच वगैरह कस लेना है। और अब इसकी बारी आई फाइनल लगाने की। गाइस अब हम इसमें जो है फाइनल लगाएंगे। पहले पेंच को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है आपको, सभी पेंच को, क्योंकि इसी में जो है सॉकर हमारे टिके रहते हैं। गाइस आपको फाइनल लगा लेना है। फाइनल का वायर नीचे ड्रम के बगल से साइड से पीछे की ओर डाल देना है। देख सकते हो, अब इसके पैनल को जो है फिट कर देना, और इसमें जो है आगे की तरफ 2 पेंच बड़े लगेंगे और पीछे बॉडी में पीछे लगेंगे। गाइस देख सकते हो, इसकी वायरिंग हमने कर ली है, वायरिंग भी आपको कर लेना है, वायरिंग कलर कोडिंग के हिसाब से। गाइस देख सकते हो, बिल्कुल आसान है। गाइस देख सकते हो, वायरिंग हमारी हो चुकी है इसकी, और इसके प्रेशर सेंसर वाला पाइप भी लगा लेना है। गाइस देख सकते हो, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी कनेक्शन कर दिया हमने। देख सकते हो, आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। गाइस देख सकते हो, बॉडी हमारी फिट होकर तैयार हो गई। हम अब इसमें डालेंगे पानी और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। गाइस देख सकते हो, अब हम इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। जब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गाइस देख सकते हो कि मोटर हमारी जो है चल रही है, अच्छी तरीके से चल रहा है। गाइस देख सकते हो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है, न्यू जैसे चल रही है और बहुत ही बेहतरीन स्मूथली चल रही है। गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए यह भी कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसी प्रकार की वीडियो आपको देते रहें। भाव भाव क्या है, शुरू